हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी शाही पनीर की रेसिपी बनाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2 टमाटर ली हूँ और 1 कप या 10 से 12 काजू है। इस काजू को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो काजू और टमाटर को एक साथ मिक्सी में डालकर अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और ये 4 प्याज है, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सभी को बिल्कुल बारीक पीस ली हूँ। तो ये मसाले हमारे पीस कर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं, गैस पे कढ़ाई चढ़ाती हूँ, गैस ऑन कर ली हूँ। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, 2 बड़ा चम्मच तेल डाल दें। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद 1 टीस्पून जीरा चटक जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले का यूज की हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ आप अपने पसंद के गरम मसाले डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटे छोटे लौंग ली हूँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को तेल में डालकर थोड़ा ध्यान से डालें, लौंग चटकता बहुत है। तो डालकर उसके बाद इसको अच्छे से चटकने देंगे। और 2 तेज़पत्ता डाल दी हूँ। तो ये खड़े गरम मसाले हमारे चटक गए हैं, तो अब यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। हमने जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना कर रखा है उसे डाल देंगे। उसे डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे, जब तक कि प्याज का पानी सूख नहीं जाता तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से भून लें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए प्याज का पानी सूख गया है, तो अब इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। पहले हल्दी और धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद हमने जो टमाटर और काजू पीस कर रखा है उसे डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे, इसी तरह से लगातार चलाते हुए। तो अच्छे से मिक्स कर ले मसाले को। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए ज़रूर डालें। पनीर की कोई भी रेसिपी में कसूरी मेथी का यूज ज़रूर करें, इससे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी बन जाती है। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी, इसलिए ज़रूर डालें। उसके बाद इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अभी नहीं डाली हूँ तो नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक का यूज कर रही हूँ। तो नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मसाला अभी अच्छे से भुना नहीं है। तो अच्छी तरह से इसको भूनते हैं, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। उसके बाद इसमें ताजी दूध की मलाई डालेंगे, 1 टेबल स्पून दूध की मलाई डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट और भून लेंगे। मलाई से घी छोड़ देगा, तो तब तक इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले से। तो उसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 केजी पनीर ली हूँ, इसे अच्छे से कट कर ली हूँ स्क्वायर शेप में। तो मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है, तो अब इसी में पनीर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर डाल देती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का यूज की हूँ। तो 1.5 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। 5 मिनट तक अच्छी तरह से सब्जी को उबलने देंगे। तो देखिए यहाँ 1 गिलास पानी डाल दी हूँ, पर इसमें थोड़ा पानी का और ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि अभी ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, इसको उबलने में भी थोड़ा समय लगेगा। कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से ज़रूर उबालें। तो देखिए अभी थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें 1/2 गिलास पानी का यूज और करूँगी जिससे बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनेगी। और उसके बाद इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकने देंगे ताकि पनीर में भी अच्छे से मसाले का फ्लेवर चला जाए। मैं तो थोड़ा और पानी डाल दी हूँ, उसके बाद डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने देंगे। इस समय गैस का फ्लेम तेज ही कर देंगे, तेज फ्लेम पर ही इसको उबालेंगे। तो तेज फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक अच्छे से उबलने दें। देखिए सब्जी में हमारी उबाल आ रही है। तो इसी तरह से सब्जी को और 3-4 मिनट उबालने देंगे, उसके बाद सब्जी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो सब्जी में अच्छे से उबाल आ गया है, 5 मिनट हो चुका है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। गैस बंद कर दी हूँ, देखिए ठंडी होकर गाढ़ी हो गई हमारी सब्ज़ी, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, इसलिए ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शाही पनीर बनकर रेडी है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार है हमारी शाही पनीर की रेसिपी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।